और लिखो बाबूजी का लड़का विलेज से आ रहा है और वो सर्कस के लिए नया नया आइटम लाने वाला है। चिंतामणि, हाँ ये हो गया। अच्छा अच्छा, तो फिर लिखो कि उसके आते ही सर्कस का हालत सुधर जाएगा और मैं जल्दी से जल्दी गांव पैसे भिजवा दूंगा। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा चल चिंतामणि, जल्दी कर यार, मेरे को भी खत लिखाना है। एकांति, बस अभी सिर्फ दो चार जरूरी बातें लिखवानी है। जल्दी। क्या लिखा? लिखा मुझे थोड़ा काम है, मैं बहुत जल्द से जल्द पैसे भिजवा दूंगा। अच्छा, लिखो कि नूरजा बीमार है, वो अपने पिंजड़े से बाहर नहीं आती। हमने डॉक्टर को बुलवाया था, उसने बताया कि उसको 3 दिन सिर्फ दूध पे रखना, और वो शाहजा है ना, उसका नाखून बढ़ गया था, वो नोचने लगा था, इसलिए हमने उसका नाखून काट दिया। आज वो अपनी आइटम भी करने वाला है। और एक जरूर लिखना कि वो अप्पू और लक्ष्मी है ना, उनको अब तक नहाने की आदत नहीं पड़ी, रोज जबरदस्ती करके मुझे उसको नहलाना पड़ता है। अच्छा अब मैं जल्दी में हूँ, मैं जा रहा हूँ, अप्पू को तैयार करना है और शेखरन बाबू भी आज आने वाले है। सब कुछ लिखा ना? हाँ, जो कुछ लिखना चाहिए था वो सब कुछ लिख दिया। चलो चलो कांति, मैं जा रहा हूँ। आज तक पप्पू को क्यों सजाया है? बाबूजी, शेखर के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। अच्छा? बाबूजी मुझे ख्याल आया, हम पप्पू को सजा के हवाई जहाज के पास ले जाएंगे, और जैसे ही हवाई जहाज से शेखरन भैया उतरेगा ना, तो सीधे पप्पू की पीठ पर बैठ जाएगा। अरे पगले, ऐसे नहीं होता है। क्यों? तेरे पप्पू को हवाई जहाज तक कोई नहीं जाने देगा, वो यहाँ आएगा ना तो पीठ पर बिठाना। चिंतामणि, मेरे को एक आइडिया है। क्या? अपन है ना शेखरन बाबू के लिए आदित्य से एक धुन बनवाएंगे। हाँ, लंदन से आया मेरा दोस्त है, और ये ना श्रीदेवी तरह डांस करेगा। ये अरे श्रीदेवी ने मिथुन की तरह। ये लंदन से आया मेरा दोस्त है। कितना अच्छा लग रहा है ना शेखरन का टेंट, सब कुछ साफ सुथरा। शेखरन खुश हो जाएगा ना चेची? हाँ क्यों नहीं, और ये हमारे सर्कस का सबसे सुंदर टेंट जो है आखिर सजाया किसने है? अच्छा अच्छा बाबा, तुम ही ने सजाया बस। अच्छा चेची, ये फूलदान वहाँ पर रखूं? रख। चेची ये मेरा आईना है शेखरन बाबू के लिए, अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा है। कहाँ रखूं? इसे यहाँ रख दो। और चेची मेरी तरफ से ये छोटी सी गुड़िया, मगर इसकी आंखें बंद है। अच्छा कोई बात नहीं, इसकी आंखें शेखरन को देख के खुल जाएंगी। अच्छा। इसे भी यहाँ रख। अरे अब तुम लोग जाके जरा जल्दी से तैयार हो ना, शो का वक्त हो रहा है। चल चल जाओ। चेची ये मच्छरदानी फटी है यहाँ से। कहाँ? ये देखिए ना। अच्छा अच्छा, मैं इसे सिए देती हूँ, जब तक तू जरा ये किताबें तो समेट ले। मैं सुई लाऊं? नहीं, सुई है ना मेरे पास। अरे चेची तुम तो जादुई चिराग हो। अच्छा तू अपना काम कर चुपचाप। अच्छा अरे चेची ये रही वो किताब। कौन सी? जिसमें से तुम मुझे और शेखरन को बचपन में कहानियाँ सुनाया करती थी। हाँ, और तू कहानी सुनते सुनते शेखरन के कंधे पे सर रख के सो जाया करती थी। वो तो मैं बहुत छोटी थी ना इसलिए। अब तो तू बहुत बड़ी हो गई है। हाँ। अरे चेची चेची ये देखो फोटो, ये अपने सर्कस के गेट के बाहर खिंचवाया था ना। हाँ मुरादाबाद में। और ये शेखरन के लिए टोपी बाबूजी कश्मीर से लाए थे। इस टोपी को मैं हमेशा खींचती थी, तब शेखरन बहुत चिढ़ता था। एक बार गुस्से में आकर उसने मुझे शेर के खाली पिंजरे में बंद कर दिया था। मैं बहुत रोई थी, और फिर बाबूजी ने मुझे आकर निकाला और उसे बहुत डांटा था। शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर मारिया को कुछ हो जाता तो? चलो माफी मांगो उसे। मुझे माफ कर दो मारिया, मैं फिर ऐसे कभी नहीं करूंगा। जाओ माफ कर दिया। मारिया शेखरन तुझे देख के बहुत खुश होगा। लंदन में ठंड वन होती होगी ना? हाँ क्यों? मतलब शेखरन पीता होगा। मतलब? मतलब उसके लिए थोड़ी लाके रखनी चाहिए। बाबूजी ये आप कह रहे हैं? वल्सम्मा, आदमी को वक्त के साथ थोड़ा बदलना चाहिए ना।
उसे आराम मिलेगा। ठीक है, एक दर्जन बियर बॉटल मंगा लेती हूं। बस दो चार, ज्यादा नहीं। बाबूजी आप भी बस। बाबूजी जल्दी चलिए, शेखरन बाबू आ गए हैं। अच्छा चलो, कैसा चल रहा है सब? बस परफॉर्मेंस तेरी वेरी गुड। हाँ बाबूजी फिक्र मत कीजिए, सब अच्छा। शेखरन बाबूजी कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक हो, आप कैसे हैं? बहुत खुश हो। बहुत खुशी हो रही है आपको मिलकर, अब तभी तो ठीक है आपकी। हाँ क्या हो गया मुझे? बहुत अट्टा करता हूँ बॉक्सिंग के लिए। ओहो, आप लोग ही बातें करते रहेंगे, हमें भी कुछ बात नहीं। चाची बहुत मिस किया आपको मैंने। कैसे हो तुम? बहुत अच्छा हूँ चाची, बिल्कुल नहीं बदली। लेकिन तुम बहुत बड़े हो गए। मरिया कहाँ है? तू कहाँ है? कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, और तुम? बहुत अच्छा हो। कितने अरसे बाद मिल रहे हैं हम दोनों। Damn good to see you. अरे शेखर बाबू आप यहाँ क्या खड़े हैं? आइए, आपके लिए सरप्राइज है। मिलता हूँ तुझसे मरिया। चाय खत्म होने के बाद तुम लोग इसी टेंट में आराम करना। अरे आनंद, इसके आने के खुशी में मैंने एक नया भालू भी खरीदा है। बहुत अच्छा भालू है, तू भी देख लेना। बाबू जी एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोल बेटा। वैसा है कि आनंद और मैं इंग्लैंड में साथ रहा करते थे। अच्छा साथ रहा करते थे? जी, और इसका यहाँ पर भी एक घर है। अच्छा इसी शहर में? अच्छा अच्छा बेटे, तो तुमको हर शो में आना पड़ेगा। बाबू जी घर इसका बहुत पास में है, तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं इन दोनों के साथ ही वहाँ पे रह सकता। तू आनंद के साथ रहना चाहता है? नहीं, बस सोऊंगा वहाँ पे मैं बाबूजी, और दिन में तो यहीं पे रहूंगा ना मैं, और खाना पीना भी आपके साथ ही रहेगा। ठीक है बेटे, जैसे तुम्हारी मर्जी, चाय तो पी लो। क्या बात है चीची, ये शेखरन बाबू का सामान कहाँ जा रहे हैं लोग? शेखरन अपने दोस्त आनंद के साथ रहेगा। यानी वो हम लोगों के साथ एक रात भी सर्कस में नहीं गुजारेगा? लगता तो नहीं।
चला गया। वेलकम सॉन्ग से सर्कस नहीं चला करते। गड़प यूजलेस फेलो, मेहनत करना पड़ता है उसके लिए, मेहनत करना पड़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना मांगता है, कांस्टेंट प्रैक्टिस मांगता है, मालूम है। आइटम तैयार करना पड़ता है जैसे मैं किया करता था, समझे, तब सर्कस चलता है। यूजलेस फेलो, एक्सपर्ट फ्लायर बनना पड़ता है। एक्सपर्ट फ्लायर बनना पड़ता है, हम लोग सर्कस नहीं चला सकते ना। तुम्हें बहुत शौक है सर्कस चलाने का, तो अपनी बेटी को एक्सपर्ट फ्लायर बना के दिखाओ, चलाओ सर्कस। हम लोग की वजह से पब्लिक नहीं आती, इसकी वजह से पब्लिक आएगी, तो अपनी बेटी को बनाओ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेपेज़ आर्टिस्ट और चलाओ सर्कस। मारिया को मैं बनाऊंगा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेपेज़ आर्टिस्ट। अरे बनाओ, फिर दिखाऊंगा सर्कस कैसे चलता है। मारिया, ये तुमने क्या कर दिया, वो अपना पागलपन मारिया पे निकाल देगा। अरे जाने दो। जाने कैसे दो विकी? विकी तुम तो अच्छी तरह जानते हो, जब से जो गिरा है ना, मारिया के लिए 10 हाथ ऊपर जाना मुश्किल है, उसे चक्कर आते हैं। पापा, पापा प्लीज। काम? मुझे बहुत डर लगता है पापा। तुम्हारा डर झूठा है ये। नहीं पापा, मुझसे ये नहीं होगा। एक बार ऊपर चली जाओगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा सब। नहीं पापा, कोई तकलीफ नहीं है। पापा प्लीज, मैं नहीं चढ़ सकती। पापा प्लीज, आप समझते क्यों नहीं, मैं नहीं चढ़ सकती। तुम चढ़ सकती है। मुझे ट्रेपेज़ आर्टिस्ट नहीं बनना है पापा। मुझे बनना है ट्रेपेज़ आर्टिस्ट। नहीं बनना है मुझे। मेरा तो सबसे बड़ा ट्रेपेज़ आर्टिस्ट बनना है तुझे। पापा प्लीज, आई कांट डू इट पापा। कम ऑन, कम ऑन, कहे बाप, मेरा हाथ पकड़ो। पापा पाव रखो, गुड। हां पापा, यू कैन डू इट। पकड़ो पकड़ो, सीढ़ी पकड़ो, कम ऑन, चलो। मुझे चक्कर आ रहा है पापा। लिटिल मोर एफर्ट बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है पापा प्लीज। कमाल, अरे हिम्मत बधारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। मारिया, मारिया, नीचे मत देखो मारिया, ऊपर देखो ऊपर। हाँ। पापा मुझे नीचे उतरना है पापा। नहीं बेटा, हिम्मत नहीं हारना, नहीं बेटा नहीं। हाँ, तुम देखो, यू आर वेरी नियर टू योर टारगेट बेटा। तुम जो की बैठी हो बेटा, हिम्मत नहीं हारना। नहीं पापा, मैं नहीं कर सकती पापा। नहीं पापा, नहीं। कम आ रे। Oh, you have made it! No, Papa! Sidhi ko tight pakdo! No, I can't do it! Come on! Raha hi mudar ka! Pakdo ise! Nahi, mujhse nahi hoga, Papa! Sakti ho! Nahi! Rassi ko pakdo ise! Pakdo! Itna gehra hai, Papa! Main nahi chal sakti, please! Kuch gehra nahi hai ye! Himmat kar thoda! Come on! Nahi, Papa! Mujhse ye nahi hoga! Jo! Kitna gehra hai, Papa! Mujhe chakkar aa raha hai! Ye trapeze artist banna hai! Tu jo ko kya nahi? Nahi banna hai, mujhe trapeze artist! Take a position! Come on! मुझे बहुत जोर का डर लग रहा है पापा। कमजोर मत बन। नहीं पापा। मुझे आकाश में कलाबाजियां खानी है। जो की बेटी तोते खेल बताती रहेगी जिंदगी भर। कैसे 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 कमा मजबूत पकड़ना। नहीं पापा, नहीं। कमा कमा, जो की बेटी है। कमा नहीं पापा। क्या हुआ? गुड गुड, जो बेटा
अब मैं बाबूजी को कैसे समझाऊं कि सर्कस आउटडेटेड हो चुका है यार। अब लोगों को नहीं आता ना पसंद ये रीछ हाथी घोड़ों का खेल, उन्हें तो ये टीवी वीडियो मूवीज का ज्यादा शौक हो चुका है ना। तो तुम उन्हें समझाते क्यों नहीं हो? नहीं रीमा, इतना आसान नहीं है उनसे बात करना। तुम नहीं जानते कि उनको उनको सर्कस से कितना लगाव है। मैं खाम का उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता। शेखरन है, मैं बाबूजी बोल रहा हूँ। बाबूजी? जी बाबूजी। हेलो बाबूजी। शेखरन बेटे, तुमने खाना खाया? हाँ बाबूजी, खा लिया। कुछ काम था बाबूजी आपको? नहीं, बस यही पूछने के लिए फोन किया था। अब तुम आराम से सो जाओ, कल मिलेंगे। गुड नाइट। एक्सक्यूज मी, मैं वापस सर्कस जाऊंगा बाबूजी के पास। सुनो शेखरन, तुम्हें बाबूजी से बात कर लेनी चाहिए कि तुम सर्कस नहीं चलाना चाहते। हाँ यार, मैं बात कर लूंगा ना। शेखरन, तुम बात कर सकोगे ना? डोंट वरी रीमा, मैं सब संभाल लूंगा ना। ओके, सी यू गाइस। एक मिनट से मैं बैग निकाल लूं। ओके, थैंक यू, बाय।